फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको 4 और 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ये प्यारी सी ड्रेस बनाना, फ्रील वाली ड्रेस बनाना बताऊंगी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, इसको आप छोटे बड़े साइज में आसानी से बना सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सिंपल घेरा बनाकर रेडी कर लिया है और यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 राउंड मैंने यहाँ पर सिंपल घेरे के दिए हैं। अब देखिए, उसके बाद जो डिजाइन स्टार्ट करेंगे उसके लिए हम यहाँ पर 1 2 3 4 चैन बनाएंगे। 4 चैन बनाने के बाद यहाँ से हम एक चैन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चैन में जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 चैन बनाई। 7 चैन बनाने के बाद भी हम यहां से एक चैन स्किप करेंगे। देखिए, यहां से हम 1 चैन स्किप करेंगे और सेकंड चैन में जाकर डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 चैन लेंगे और यहां से नीचे से हम 1 चैन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चैन में जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। देखिए, यहां पर लूप बनेगा। एक बार हमें बीच में 1 चैन लेनी है, फिर यहाँ पर 7 चैन लेनी है। अब देखिए, हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चैन लेंगे और यहाँ से 1 चैन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चैन में जाकर डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर 1 चैन लेंगे और यहाँ से 1 चैन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चैन में जाकर डबल क्रोशिया। फिर 7 चैन। देखिए, इस तरह से बनता चला जाएगा और इसी तरह से मैं पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, बनाते हुए मैं वर्क के एंड में आ गई हूँ और यहाँ पर मैंने 7 चैन बना ली है। अब देखिए, यहाँ पर मैंने जो 4 चैन बनाई थी शुरू में, 1 2 3 थर्ड चैन में जाकर इसको स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरह से। और एक चैन लेकर इस धागे को मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। रेड कलर का वर्क हमारा ख़त्म होता है। अब देखिए, यहाँ से हम वाइट कलर अटैच करेंगे। जो 1 की चैन है वहाँ से हम वाइट कलर अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 चैन लेने के बाद 1 डबल क्रोशिया, 2 3 4 ये 4 बार हमने यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाया है और एक 3 की चैन, उसको भी हम 1 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे तो हमारे ये टोटल 5 डबल क्रोशिया बन गए। अब देखिए, अब इधर वाली साइड भी हम इस तरह से 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 देखिए, इस तरह से 5 डबल क्रोशिया हमने इधर वाले जो डबल क्रोशिया था उसमें बना लिया। अब देखिए, जो यहाँ पर होल है ये वाला, ये चैन, इसके अंदर हम फर्स्ट वाली चैन के अंदर जहाँ पर ये डबल क्रोशिया बना हुआ है वहाँ पर हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम प्लेस पर 2 बार डबल क्रोशिया। और इससे आगे वाला देखिए, नेक्स्ट होल है, इसके अंदर हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही प्लेस पर 3 बार डबल क्रोशिया, तो हमारी ये टोटल 5 डबल क्रोशिया यहाँ पर काउंट होंगे। अब देखिए, इस तरह से
जो इधर वाली साइड का डबल क्रोशिया है उसके ऊपर भी हम इस तरह से देखिए यहाँ से ऐसे लेंगे और यहाँ पर भी हम 5 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से यहाँ पर हमने 5 टाइम डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए जो एक की चैन है यहाँ पर वहाँ पर भी हम 5 बार डबल क्रोशिया 1, 2, 3, 4, 5 अब देखिए जो ये वाला डबल क्रोशिया है इसको इस साइड से ऐसे करते हुए यहाँ पर भी 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बना लिया। अब देखिए इसके नीचे वाला जो ये चैन है यहाँ पर भी हम 2 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 एंड 2। नेक्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसकी चैन के अंदर हम 3 टाइम डबल क्रोशिया 1, 2, 3 3 टाइम बना लिया। अब देखिए जो ये वाला डबल क्रोशिया है इसको हम इस साइड से बनाएंगे इस तरह से, यहाँ पर भी हम 5 टाइम डबल क्रोशिया बना लेते हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5 देखिए इस तरह से यहाँ पर हम 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। फिर यहाँ पर एक की चैन है वहाँ पर भी हम 5 टाइम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसको ये डबल क्रोशिया है इसके ऊपर इस तरह से 5 बार डबल क्रोशिया। और देखिए ये फर्स्ट वाली चैन है यहाँ पर उसके अंदर 2 बार डबल क्रोशिया और नेक्स्ट के अंदर 3 बार डबल क्रोशिया। फिर ये वाला डबल क्रोशिया है इसको इधर वाली साइड से उठाएंगे और यहाँ पर भी 5 टाइम हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हम इस पूरी रो को बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। फ्रेंड्स बनाते हुए हम एंड में आ गए हैं। अब देखिए यहाँ से हम थर्ड चैन के अंदर जाकर स्लिप स्टिच करेंगे और एक चैन लेकर इस धागे को हम यहां से कट कर देते हैं। फ्रेंड्स हमारी ये ड्रेस बनकर रेडी हो गई है। आई होप आपको मेरे बताने का तरीका पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।